टर्नर एक महत्वाकांक्षी फैशन डिजाइनर है जिसे उसके सपनों के शहर लंदन फैशन स्कूल में दाखिला मिल जाता है। वहाँ रहते हुए वह एक कमरा किराए पर लेती है जो किसी तरह उसे सन 1960 के लंदन में ले जाता है। एली खुद को एक युवा महिला महत्वाकांक्षी गायिका सैंडी के जीवन को देखती है जो जैक नाम के एक आदमी के लिए गिरती है जो उसे प्रसिद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने का वादा करता है, लेकिन वह उसके बजाय उसे गाली देता है और उसे वेश्यावृत्ति में मजबूर करता है। एली के एक दर्शन में वह देखती है कि जैक सैंडी को मार रहा है। एली को संदेह है कि वर्तमान समय में एक स्थानीय बुद्धा व्यक्ति जैक है और उसने सैंडी की हत्या की है। एक कार दुर्घटना में आदमी के मारे जाने के बाद एली को पता चलता है कि वह एक पूर्व पुलिस अधिकारी था जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सैंडी का फायदा नहीं उठाया। वास्तव में सुसी कोलिंस मकान मालकिन जहां एली रह रही है वह महिला है जिसे पहले सैंडी के नाम से जाना जाता था। उसकी संगीत आशाओं के दरासाई होने के बाद उसने जैक और उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले अन्य लोगों की हत्या कर दी। वह एली और उसके दोस्त जॉन को मारने की योजना बना रही है, लेकिन सुसी कोलिंस ने जल्दी ही महसूस किया कि वह इतनी बुरी हो गई है जितनी कि उसे चोट पहुंचाने वाले पुरुष। वह एली और जॉन को जाने देती है जबकि वह मरने के लिए पीछे रहती है क्योंकि उसका घर आग से भस्म हो जाता है। एली ने बाद में स्कूल में एक फैशन शो में गर्मजोशी से स्वागत के लिए अपना काम शुरू किया। वह अभी भी आईने में सैंडी का प्रतिबिंब देखती है।